Hello students, welcome to Learners University. In today's class, we will continue the chapter number 1 of history, that is how, when and where. Okay? It is of class 8th and in today's lesson, we will study which dates, periodization, colonialism. I will try to complete all three topics, but agar video lambi ban gayi, to next class mein main dusra jo agla topic hai, wo continue karungi. तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हिस्ट्री किस पे बे हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं ताकि हम पता कर सके कि चेंजेस क्या क्या हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दूसरा कि हम पास्ट और प्रेजेंट को रिलेट कर सके अलग अलग इवेंट्स को. और तीसरा हमने इसलिए पढ़ा था, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर का जो कंसेप्ट है उसको हमें समझ सके कि बिफोर क्रिश्चियन एरा या बिफोर 1947 क्या था और आफ्टर क्या था. ये सारे कंसेप्ट हिस्ट्री से ही निकल के आते हैं. इसके बाद हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री एक प्रोसेस है, तो अगर हिस्ट्री एक प्रोसेस है तो हम डेट्स क्यों करते हैं. तो इसके मैंने बहुत सारे रीज़न बताए थे कि बैटल्स होती हैं, बिग इवेंट्स होते हैं, न्यू किंगडम्स फॉर्म होते हैं, न्यू रूलर्स क्राउंड होते हैं और दे गेट मैरिड, दे हैव देयर हेयर, ठीक है, नया रूलर बनता है, उसके बाद सिटीज डेवलप्ड होती हैं, मार्केट्स डेवलप्ड होती हैं, लोगों के लाइवलीहुड और भी बहुत कुछ पढ़ा था हमने. तो ये तो प्रीवियस क्लास का था जो मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया. आज की क्लास में पढ़ेंगे विच डेट्स कि हम कौन किस डेट्स के बारे में हम बात करते हैं और हमारे लिए कौन कौन सी डेट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले तो हमने एक चीज़ देखी कि हमारे लिए डेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो हमारा वो था अभी जो किंगडम्स वाला हमने पढ़ा रिवाइज किया कि बैटल्स होने या किंगडम्स किंगडम फॉर्म होने या मार्केट्स फॉर्म होने, इसलिए हम डेट्स पढ़ते हैं. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियंस हमारे जो हिस्ट्री की चीज़ें थी, हमारे जो हिस्टोरिकल डेट्स थी, वो किस किस बेसिस पर डिपेंड है. बाय विच क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट. तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्टोरियन, हमने कौन कौन सी डेट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सपोजिटली जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनके साथ उनके गवर्नर जनरल भी आते थे, ठीक है, तो इन्होंने रिक्रूट करना शुरू किया था गवर्नर जनरल्स को ताकि वो इंडिया के जो जितनी भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या जितनी डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हैं वो सब वो संभाल सकें. तो जो पहला गवर्नर जनरल आया था वो था हमारा वारेन हेस्टिंग, ठीक है. अब जो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियंस, ठीक है, इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल, ठीक है, ये जीव जो है वो जनरल है. तो जो भी उसका टाइम पीरियड था कि जिस टाइम के पे एक पहला गवर्नर जनरल आया और उसने कितना टाइम रूल किया, वो सारा ब्रिटिश हिस्टोरियन के हिसाब से इंडिया में इम्पॉर्टेंट था एज अ हिस्ट्री. अगली चीज़ उनकी पॉलिसीज, जैसे एक पॉलिसीज आई थी सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज आई थी. तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज, वो एक्टिविटीज़, वो उनकी जो उनकी गवर्नर जनरल्स की अचीवमेंट है वो इम्पॉर्टेंट थी. इसके बाद हमारा था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन सा था, वारेन हेस्टिंग, और लास्ट वाइसराय कौन सा था, लॉर्ड माउंटबेटन. अब ऐसा तो है नहीं कि जो पहला गवर्नर जनरल है ये हेस्टिंग और आखिरी गवर्नर जो आखिरी वाइसराय है जो माउंटबेटन है उसके बीच में लोग नहीं आए. उसके बीच में बहुत सारे गवर्नर जनरल आए थे जैसे कि विलेसली, बेंटिक. इनफैक्ट जो सब्सिडरी अलायंस जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे वो विलेसली नहीं इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है. विलेसली आए, बेंटिक आए, डलहाउजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस करी, कैनिंग ने भी काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी. इन सब ने कोई ना कोई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी हैं. तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियंस हमें इनकी लाइफ के बारे में पढ़ना चाहिए और इससे बाहर कोई भी जो किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है और वो हमारे हिस्ट्री का पार्ट नहीं है. नथिंग वॉज इम्पॉर्टेंट आउटसाइड द लाइफ ऑफ द गवर्नर जनरल, मतलब इंडियंस की लाइफ इम्पॉर्टेंट नहीं थी, इन्होंने जो पॉलिसी सुनाई वो मस्ट थी, ठीक है. तो इसलिए हमें देखो इंडिया में रह के हम ब्रिटिशर्स की जो गवर्नर जनरल की कहानियाँ पढ़ते हैं वो तो उससे तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता चलता कि हमने कैसे लाइफ जी इन द ब्रिटिश इंडिया. तो हमें एक नया सिस्टम चाहिए था डेट का और अनदर फॉर्मेट चाहिए हमारा कि हम हिस्ट्री को ढंग से अच्छे से पढ़ सके. अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया. तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा हाउ डू वी पीरियडाइज, ठीक है, पीरियडाइज कि हमने पीरियड मतलब जो पीरियड्स हमने अलग अलग पीरियड्स बनाए हमने क्यों बनाए. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ये आता है कि वाई
ठीक है, why do we try to divide the history in the different period? हमने हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड में क्यों अलग अलग डिवाइड किया है? इसका रीज़न सिंपल है कि हम अलग जो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं उस टाइम के, उन्हें पता चले कि किस टाइम के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उस टाइम पे लोग कैसे रह रहे थे। दूसरी चीज़, हम सेंट्रल फीचर्स जान सकें और अपने आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट कर सकें अबाउट द पास्ट एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम जान सकें। तो हमने अलग अलग पीरियडाइजेशन क्यों किया? ताकि हम सेंट्रल फीचर्स को कैप्चर कर सकें, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम को कैप्चर कर सकें, आइडियाज अबाउट पास्ट को देख सकें और सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम को समझ सकें। इसलिए हमने अलग अलग हिस्ट्री को पूरे अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं बताती हूँ आपको कि 1817 को एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था जिसे हम पॉलिटिकल फिलोसोफर भी था वो, तो उसने, उसका नाम था जेम्स मिल, उसने एक बुक लिखी इंडिया पे, ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नहीं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उसने क्या किया, उसने भी डिवाइड किया अलग अलग पीरियड्स में हिस्ट्री को, लेकिन किस बेसिस पे डिवाइड किया, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश के पीरियड पे। मतलब पहले हिंदू थे, उसके बाद मुगल एम्पायर पूरा चला, उसके बाद हमारा ब्रिटिशर्स आ गए, तो उसने इस बेसिस पे डिवाइड किया। तो उसने कहा कि जो एशियन, हमारे जो इंडियन कल्चर था बहुत लोअर लेवल पे था, मतलब इतना ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई थी। दूसरी चीज़, उसने बोला कि जो हिंदू मुस्लिम रूलर्स थे वो टायरेंट थे, यानी कि तानाशाह थे, और इंडिया में बहुत सारा रिलीजियस इंटॉलरेंस था, यानी कि हिंदू मुस्लिम को नहीं चल सकता, मुस्लिम हिंदू को नहीं चल सकता, ऐसा उसने बोला कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टैबूज थे, वो जो जाति के धर्म पे होते हैं कि दलित और ये क्षत्रिय ब्राह्मण, ये जो अलग अलग कास्ट डिविजन्स थी, उसके बाद सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी, बहुत सारी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी, और डोमिनेटेड सोशल लाइफ थी, यानी कि कई जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोग को डोमिनेट करते थे। ठीक है, अब एक चीज़ और बोली थी जेम्स मिल ने कहा कि जो हमारा ब्रिटिश है सिर्फ वही सिविलाइज कर रहे हैं हमारे इंडिया को। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने यूरोपियन मैनर इंट्रोड्यूस करे, आर्ट इंट्रोड्यूस करे, इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस करे, लॉज इंट्रोड्यूस करे, और हमें तो कुछ आता ही नहीं था, इंडियंस को कुछ नहीं आता था, इंडियन रूलर्स टायरेंट थे, यहाँ पे सोशल इविल था, यहाँ पे रिलीजियस इंटॉलरेंस था, यहाँ पे सब कुछ गलत गलत था। ब्रिटिशर्स ने आगे हमें खुशी दे दी, इनलाइटमेंट दे दी, हैप्पीनेस एंड इनलाइटमेंट दे दी, और ब्रिटिशर्स को सारी टेरिटरीज कॉन्कर कर लेनी चाहिए, और हमें 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 मतलब हमारे ऊपर उनको कलोनी बना के रूल करना चाहिए ताकि हम खुश रह सकें। ठीक है, हमें हैप्पीनेस मिले, लेकिन ये चीज़ वो भूल गए कि जो आज तक भी तो हम रह ही रहे थे, अलग अलग हमारे इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग टाइम पे रूलर्स बने। ठीक है, मुगल एम्परर्स आए, उससे पहले अलग अलग डेनेस्टीज आई, तो हमारे यहाँ पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे इंडिया में अलग अलग जो रूलर्स थे वो अलग अलग रिलीजन और फेथ के थे। ठीक है, तो कभी भी आज तक हमारे बीच में ऐसा नहीं हुआ। तो फिर इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा, इंडियन हिस्टोरियंस ने कहा कि भाई ये तो गलत चीज़ है, हम नहीं मानते कि हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिशर्स के बेसिस पे तुम हमें अलग करो। ठीक है, हमारे पीरियडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऐसे करो। तो इंडियन जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए, उन्होंने भी जो पीरियडाइजेशन किया, यानी कि जो पीरियड्स बनाए वो कैसे थे, एक तो था एंशियंट, ठीक है, फिर आया मिडीवियल, और फिर आया ये हमारा तीसरा क्या था, मॉडर्न। तो ये हमारे जो नया जो सिस्टम था पीरियडाइजेशन का या पीरियड्स बनाने का, वो ये था कि एंशियंट यानी कि बहुत पुराना, उसके बाद हमारा मिडीवियल और मॉडर्न। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ थी, अब ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ से आया था, ये कंसेप्ट आया था हमारा वेस्ट से, यानी कि यूरोप से ही आया ये कंसेप्ट, इंडियन कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट हमारा यूरोप से आया है। तो जब ये कंसेप्ट ही वेस्ट से था, तो इसमें था एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न। तो इसमें एक चीज़ ये भूल गए, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ थी यूरोपियन कंट्रीज़ की, वहाँ पे साइंस भी थी, ठीक है, वहाँ पे रिसोर्सेस थी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी,
ठीक है, और वहाँ पे इक्वालिटी थी, सबसे चीज इक्वालिटी थी, ठीक है, वहाँ पे क्या था, इक्वालिटी भी थी, वहाँ पे लिबर्टी भी थी, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, ठीक है, वहाँ पे फ्रीडम या फिर लिबर्टी थी, तो यहाँ पे तो सब कुछ था यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ से हमने ये पीरियड वाला सिस्टम निकाला था, तो फिर हमने क्यों निकाला ये वाला पीरियड वाला सिस्टम, तो इन्होंने हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने कहा भाई ये तो गलत है, ठीक है, इंडिया में मॉडर्न हमारा ब्रिटिशर्स जो बैठे वो मॉडर्न सिस्टम ही था, दो इंडिया में रेल्स इन्वेंट हो गए थे, लेकिन इंडिया में रेल्स भी जो इन्होंने लाए थे डिस्कवर इन्वेंट करे थे या डिस्कवर करे थे ये भी किस बेसिस पे करे थे इन्होंने, ये ताकि जो रूट्स हैं एग्रीकल्चरल रूट्स उसको कनेक्ट कर सके और रेल्स रेलवे या कार्गोस के थ्रू ये अपने हमारी जो फसल वगैरह है वो ब्रिटेन पहुंचा सके, अलग अलग जगह पे ट्रेडिंग के लिए इन्होंने रेलवेज इंट्रोड्यूस करे थे, हमेशा याद रखना, तो हम इन्होंने इंडियन हिस्टोरियंस ने बोला भैया जी नहीं हम लोग मॉडर्न तो नहीं हैं, ठीक है, और ये सिस्टम नहीं, ये सिस्टम इंडिया में सही नहीं है, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ये वाले सिस्टम पे तो आए नहीं थे, तो इन्होंने जो ब्रिटिश इंडिया को नाम दिया वो क्या नाम दिया, वो नाम दिया इन्होंने कलोनलाइजेशन या कलोनियल, कलोनियल पीरियड, बड़ा सुनते होगे आप कलोनियल पीरियड, तो कलोनियल पीरियड क्या था, कलोनियल पीरियड वही पीरियड था जब ब्रिटिशर्स आए थे और ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज रूल्स ये सब हम पे इम्पोज किए थे, हम पे डाले थे, हमें ज़बरदस्ती बोला था कि आप ये वाला नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस पर आने लगे थे और टेरिटरीज को रूल कर रहे थे, तो यहाँ से हमारा कलोनियल वाला कंसेप्ट आया, ठीक है, अब एक क्वेश्चन आएगा आपसे कि व्हाट इज कलोनलाइजेशन, तो कलोनलाइजेशन क्या है, कलोनलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच ब्रिटिशर्स कॉन्कर द इंडिया एंड सब्जुगेट या फिर इम्पोज डिफरेंट पॉलिसीज ऑन द इंडियन रूलर्स एंड मेक देम सरेंडर, उसके बाद इट लीड्स टू सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस इन आर कंट्री, तो दिस इंटायर थिंग इज हमारा कलोनलाइजेशन, तो यहाँ से हमारा एक चीज आ गई, हमने तीनों टॉपिक्स कर लिए कि विच डेट्स पीरियडाइजेशन और कलोनियल गवर्नमेंट या कलोनलाइजेशन, ठीक है, इसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है, और एक चीज़ और, ये जो इन्होंने कलोनलाइजेशन किया था इसके पीछे भी इनका ही हित था, ये क्या करते थे ब्रिटिश ब्रिटेन से ये, ठीक है, इंडिया से लेकर जाते थे, ठीक है, सस्ते दामों पर ब्रिटेन में जाके बेचते थे, ठीक है, तो इन्होंने जो लो प्राइस से इंडिया से खरीदते थे और हाई प्राइस पे बेचते थे, ये सब चीज़ उनका कलोनियल गवर्नमेंट का ही पार्ट है, ठीक है, और आगे जाके अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि ये जो ट्रेड कैसे हुआ या फिर अगले लेसन्स में ये ट्रेड कैसे इनिशिएट हुआ और कैसे कैसे हमने आगे आगे तरक्की करी या फिर इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, आज ही क्लास में इतना ही था, अगली क्लास में हम लास्ट टॉपिक लेंगे इस चैप्टर का, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लर्नर्स यूनिवर्सिटी।